9 मार्च हमारा पिछले 24 घंटा में सभी जिला में ड्राई व सूखा वेदर था। गंजाम, ओंगोल, मयूरभंज डिस्ट्रिक्स में एक दो जगह में फॉग रिपोर्ट हुआ है और मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे अधिक हुआ है भवानीपटनम में 39.0 डिग्री सेंटीग्रेड, मिनिमम सबसे कम हुआ है बौद्ध में 14.0 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हमारा विंड प्रेशर पैटर्न और विंड पैटर्न में थोड़ा चेंजेज आया है, तो कोस्टल उड़ीसा में स्ट्रांग साउदर्ली विंड्स कुछ कुछ टाइम में हो रहा है, तो इसका वजह से अभी टेम्परेचर ज़्यादा थोड़ा सा फॉल भी किया है कोस्टल उड़ीसा में, तो स्वाभाविक का आसपास आया है फॉल करने का वजह से। और इंटर उड़ीसा में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ, इंटर उड़ीसा में कुछ कुछ जगह में 2-3 डिग्री तक स्वाभाविक से ज़्यादा है। अभी अगला 5 दिन के लिए हमारा जो फोरकास्ट रहेगा, इसमें अगला 5 दिन का मोस्ट ऑफ द डेज ही ड्राई वेदर रहेगा। ओनली डे 4 मीन्स 12th मार्च हमारा बोरागढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केउनझर, मयूरभंज ये सब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में एक दो जगह में बारिश होने का पॉसिबिलिटी संभावना है। और कल सुबह गजपति, गंजाम, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट्स में एक दो जगह में शैलो टू मॉडरेट फॉग भी होने का चांसेस है, बाकी मोस्टली ड्राई वेदर ही रहेगा। और मैक्सिमम टेम्परेचर का अभी जो स्थिति है, इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर व मिनिमम टेम्परेचर दोनों ही हमारा ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। अभी डे टेम्परेचर कोस्टल उड़ीसा में स्वाभाविक का आसपास ही रहेगा अगला 5 दिन में, और इंटर उड़ीसा में अभी 2-3 डिग्री कुछ कुछ जगह में 2-3 डिग्री तक स्वाभाविक से ज़्यादा रहने का चांसेस है। अभी हमारा भुवनेश्वर सिटी का जो है, भुवनेश्वर सिटी में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। आज मैक्सिमम टेम्परेचर 36 का आसपास रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर कल सुबह 22 का आसपास रहने का चांसेस है, ये स्वाभाविक का आसपास ही रहने का चांसेस है। और अभी हमारा मेनली क्लियर स्काई रहने का चांसेस है अगला 24 आवर्स में।